और आज हमारा इंडिया की आवाज का चुनावी सफर आ पहुंचा है चंडीगढ़ में। गवर्नमेंट के पास एजुकेशन को देने के लिए पैसा नहीं है, हमारे पीएम के पास, और एक स्टैचू लगाने के लिए उनके पास पैसा है। बीजेपी ने पहले नहीं किया तो अब क्या करेगी? 2014 की बीजेपी सरकार के नोटबंदी और जीएसटी के फैसले सबसे ज्यादा असर व्यापारियों को पड़ा। जी ने बहुत जो काम किए बहुत अच्छे। तो पहले 8,000 की मिलती है, 11,000 की मिलनी शुरू हुई। नमस्कार, स्वागत है आपका जनतंत्र टीवी की खास पेशकश इंडिया की आवाज़ में, और मैं हूं आपके साथ अंजलि पोखरियाल। इंडिया की आवाज़ का ये चुनावी सफ़र आ पहुंचा है चंडीगढ़। आज हम चंडीगढ़ के लोगों के बीच में जानेंगे उनके 2019 के चुनाव के मुद्दे, जनता का मिजाज और उनके मन में क्या है, ये हम जानने की कोशिश करेंगे। तो आइए चलते हैं चंडीगढ़ की जनता के बीच और जानते हैं उनके मन की बात। चंडीगढ़, अगर शहर के बारे में बात करें तो ये शहर अपनी खूबसूरती और अपनी साफ सफाई के लिए बहुत फेमस है। जगह जगह इस शहर को एज अ एग्जाम्पल प्रेजेंट किया जाता है साफ सफाई और खूबसूरती को लेकर। पर अगर इसके राजनीतिक इतिहास को थोड़ा जान ले तो इस सीट पे पिछले 3 बार से कांग्रेस का कब्जा रहा है। पर अगर हम बात करें 2014 के लोकसभा चुनाव की तो उस दौरान मोदी लहर के चलते यहाँ से किरण खेर को MP चुना गया और 3 बार के सांसद रहे पवन कुमार बंसल को हार का सामना करना पड़ा। और इस बार 2014 में पवन कुमार बंसल पर फिर कांग्रेस ने अपना भरोसा जताया है, किरण खेर को बीजेपी से टिकट मिली है और आम आदमी पार्टी से मनमोहन धवन को मैदान में उतारा गया है। इन तीनों के बीच की त्रिकोणीय लड़ाई राजनीति के लिहाज से बहुत ही दिलचस्प है। तो आज हम जनता के बीच में जाएंगे, उनसे जानेंगे कि इन तीनों में से उनके पसंदीदा कैंडिडेट कौन है और उनका इस बार वोट किसके लिए होगा। इस वक्त हम पंजाब यूनिवर्सिटी में हैं जो चंडीगढ़ में है। अगर चंडीगढ़ के बारे में जाने तो ये हरियाणा और पंजाब दोनों की राजधानी है, यानी कि आपको अगर जहाँ पंजाब का दिलेरी दिखेगी तो वहीं हरियाणा का अखड़पन भी आपको यहाँ नज़र आएगा। तो वही हिसाब स्टूडेंट्स के बीच में भी है, यहाँ दोनों ही राज्यों के स्टूडेंट्स पढ़ने के लिए आते हैं तो दोनों ही राज्यों के स्टूडेंट राजनीति में बहुत सक्रिय है। तो आज हम स्टूडेंट्स के बीच में जाएंगे, इनसे बात करेंगे कि दोनों राज्यों की अगर बात करें तो स्टूडेंट्स के बीच में इस बार कैसा है 2019 के चुनाव का माहौल। तो आइए बात करते हैं स्टूडेंट्स से और जानते हैं इस बार 2019 में उनके मन की क्या बात है। इस वक्त हमारे साथ पंजाब यूनिवर्सिटी के कुछ बच्चे हैं जिनसे हमने बात करी और उन्होंने बताया कि क्या क्या उनकी परेशानियाँ हैं, क्या क्या मुद्दे हैं। तो आइए सुनते हैं इस बार 2019 को लेकर उनके मन की बात क्या है। आपका नाम क्या है? मैम अभिषेक। अभिषेक, कितने टाइम से आप पढ़ रहे हैं पंजाब यूनिवर्सिटी में? मैम 6 साल हो गए हैं। 6 साल हो गए। हाँ जी। तो आपने पिछले 6 सालों में क्या क्या बदलाव देखे हैं और क्या क्या आने वाले टाइम में आप इस यूनिवर्सिटी में बदलाव एक्सपेक्ट करते हैं? मैम एज इन बदलाव तो यही है, रश हो गया पहले से ज़्यादा। जब हम फर्स्ट ईयर में आए थे तो काफ़ी लेट बैक था माहौल, मगर अब गेटिंग क्राउडेड डे बाई डे। और पॉलिटिक्स में चेंज आया है थोड़ा बहुत, पहले स्टूडेंट पार्टीज डोमिनेट करती थी, अब पोलिटिकल पार्टीज़ का आ गया है, थोड़ा ABVP है, NSUI है, अकाली दल की पार्टी है। एंड लास्ट ईयर थोड़ा एक चीज़ है फ्रेशली, एक नई चीज़ आई है, लेफ्ट पार्टीज़ काफ़ी स्ट्रॉन्ग हुई हैं। तो ये चेंज जो हमने 6 साल में मैंने नोटिस किया है। बाकी एज इन कोई एजुकेशन वाइज या कोई इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज तो कुछ ऐसा कोई मेजर डेवलपमेंट हमें नज़र नहीं आई, कि जो था वैसा ही है, कुछ ज़्यादा कुछ नहीं है। आप भी पंजाब यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं, कितने साल से पढ़ रहे हैं आप यहाँ? मैं 2011 से। 2011 से पिछली बार आपके यहाँ से 2014 में किरण खेर जी जीती थी बीजेपी। जी मैम। इस टाइम उनके खिलाफ काफ़ी नाराज़गी स्टूडेंट्स के बीच में देखने को मिल रही है, तो ऐसा क्यों है? स्टूडेंट्स के बीच नाराज़गी का एक वजह यह भी है कि वो पब्लिक में ही कभी नहीं आई, वो बस स्टारडम वही चलता रहा उनका, कि बस ठीक है हम स्टार हैं तो हमें क्या लेना देना इससे, एटीट्यूड उनका अलग ही है कुछ। तो स्टूडेंट्स इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं अभी। पवन बंसल हैं जैसे कांग्रेस के, तो वो आम पब्लिक में ज़्यादा बने रहते हैं, वो अच्छे पूरे टाइम। हाँ जी, पब्लिक अपीयरेंस उनकी ज़्यादा है। जैसे NUC पार्टी 2013 से बिल्कुल स्टूडेंट में बड़ी फेमस है, इसलिए जैसे वो पवन बंसल जी, इन्होंने कहा कि वो पवन बंसल लोगों में जाता है, जो यहाँ पे उस सेनेट बॉडी है उसके मेंबर भी हैं। यूनिवर्सिटी की जो मीटिंग होती है उस संडे को, उसमें भी वो पार्टिसिपेट करते हैं, जो सेनेट यहाँ उस सेनेट बॉडी है उनमें पवन बंसल पार्टिसिपेट करते हैं।
ये यहाँ जो स्टूडेंट पॉलिटिक्स है, स्टूडेंट्स हैं यहाँ, इनके मेन इश्यूज़ क्या हैं, किन किन इशूज़ को लेकर यहाँ के स्टूडेंट्स इस बार अपना वोट करने जाएंगे? स्टूडेंट्स का देखो मेन इशू तो यही होंगे भी उन्होंने इंप्लॉयमेंट, जितों उन्होंने इंप्लॉयमेंट के चांस है गवर्नमेंट ज कोई भी जो भी रिप्रजेंटेटिव है उन्होंने जरा यह कहना भी असं इंप्लॉयमेंट दवावे है ना, उ उधर ही वोट करने स्टूडेंट्स का तैयार होंगे, बेसिक स्टूडेंट्स की डिमांड इंप्लॉयमेंट ही होंगी है। तो इस बार आपको, आप लोग कांग्रेस का, आपको लग रहा है यहाँ कांग्रेस का काफ़ी ज़्यादा दबदबा आपने चंडीगढ़ में? हाँ जी, चंडीगढ़ में भी और पंजाब में भी दोनों जगह कांग्रेस का काफ़ी बन गया। हाँ जी, तो 5 साल में बीजेपी को लेकर काफ़ी नाराज़गी है स्टूडेंट्स के बीच में, क्या कहना चाहेंगे उस पर? एक्चुअली फीस हाइक को लेकर तो हमारा यही मसला है कि एजुकेशन बजट पे जो मैंने कर्ब कर रहे हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और पंजाब गवर्नमेंट भी, तो उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा, हायर एजुकेशन बजट, इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर, चाहे उसके बाद बजट तो एक तरफ है, सिलेबस की तरफ जो ध्यान दे रहे हैं वो उसको हिंदुत्व पॉलिटिक्स की तरफ लेके जा रहे हैं सिलेबस को, जैसे PhDs के जो थीसिस वगैरह जो इन्होंने मांगे हैं वो गौमूत्र को लेकर या उसके ऊपर रिसर्च को लेकर जो चल रहा है, साइंटिफिक रिसर्च को कर्ब करके, जैसे रिसेंटली LPU में देखा गया था, वहाँ पर जो साइंटिस्ट आए थे वो मीनिंग मिथोलॉजिकल अपने बयानों को लेकर वो काफ़ी चर्चा में रहे थे, बेसिकली जो साइंटिफिक कॉन्फ्रेंस है, जो साइंस कॉन्फ्रेंस है, इंडियन साइंस कॉन्फ्रेंस, उसको मीनिंग वो थोड़े से इनफेमस हुई वो कॉन्फ्रेंस, वर्ल्ड वाइड उसका नाम बदनाम हुआ, तो ऐसे हमारी एजुकेशन काफ़ी पीछे लैग कर रही है। तो इस बार आप किस पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं, कैसी सरकार चाहते हैं आप 2019 में? मेरा एक्चुअली किसी पार्टी की तरफ ऐसे सपोर्ट नहीं है, मुझे मेरी जो राजनीति की तरफ सपोर्ट है वो लोगों की राजनीति है, कि लोगों के मुद्दे रिजॉल्व होने चाहिए, जो भी सत्ता में है या सत्ता के बाहर है लोगों की बात होनी चाहिए, जो चाहे किसानों की हो, मजदूरों की हो, आदिवासियों की हो, वो लोगों के लिए काम होना चाहिए, जो भी कर सकता है, जैसे भी हो सकता है, मैं उस चीज़ को सपोर्ट करूँगा, और मुझे इस टाइम कोई अल्टरनेटिव नहीं दिख रहा इंडियन जो पार्लियामेंट्री पॉलिटिक्स का जो सिस्टम चल रहा है उसमें। माहौल जैसा कि पहले पिछले इलेक्शन, लोकसभा इलेक्शन में 2014 में, वैसा अभी तो माहौल नहीं है, जैसे कि पहले यूथ जो था वो चेंज चाहता था कि मतलब कुछ चेंज आए, पहले कांग्रेस के 10 साल रहे थे, उसके बाद चाहते थे कि अब मतलब उन्होंने देखा कि 10 साल में क्या कंट्री के अंदर चल रहा है, कैसे हालात है, तो वो चेंज चाहते थे, इसलिए मोदी जी की सरकार बनी थी, बीजेपी को इतनी मेजोरिटी मिली थी। बट अब ऐसा लग रहा है 5 साल मोदी जी के 5 साल देखने के बाद, बीजेपी के 5 साल देखने के बाद, जो यूथ ने सोचा था कि उनकी कि ऐसा होगा, हमें जॉब्स मिलेगी, किसानों के लिए कुछ होगा, मजदूरों के लिए कुछ होगा, वैसा कुछ देखने में उतना मिला नहीं है, क्योंकि बहुत होप के साथ उन्होंने डिसाइड किया था कि बीजेपी को सपोर्ट देंगे, मतलब मैं यूथ की बात कर रहा हूँ मेनली, तो वैसा कुछ खास दिखा तो है नहीं। तो इस बार जो चंडीगढ़ का, पंजाब का यूथ है वो कांग्रेस से, आई मीन बीजेपी से खुश नहीं है? मैम, बीजेपी ने जो प्रोमिसज़ किए थे आप 5 साल पहले आने इलेक्शन पिछले मैनिफेस्टो में, उस पर तो आज बात ही नहीं हो रही उन चीज़ों पे, आज अलग ही किस्म के टॉपिक शुरू करवा दिए, हिंदू मुस्लिम, आप कोई भी न्यूज़ चैनल खोल के देख लो, कोई भी हिंदी का न्यूज़पेपर आप उठा के देख लो, एक ही टॉपिक पर रोज़ प्राइम टाइम एक ही चीज़ पर हो रहा है, स्टूडेंट, किसान, बेरोजगारी, इस पर तो कोई बात ही नहीं कर रहा जो पिछले मैनिफेस्टो में बीजेपी ने बोला था। मतलब कम से कम आप बात तो कीजिए ना, उन चीज़ों पे आप फोकस तो कराइए ना, तभी स्टूडेंट कोई हमें रिस्पॉन्स कर पाएंगे ना उस चीज़ के बारे में, कोई ना तो कोई चीज़ के बारे में बोल रहा है ना कोई पूछ रहा है, तो मुझे लगता है इस बार लोगों में काफ़ी रोष है, तो इस बार लोग चेंज देख रहे हैं चंडीगढ़ में भी और अदर स्टेट में, मुझे लग रहा है ऐसा। देवेंद्र, कौन से कोर्स की स्टूडेंट हैं? मास्टर इन साइकोलॉजी। देवेंद्र, 2019 में चुनाव आने वाले हैं, काफ़ी पूरा कंट्री इलेक्शन मोड में है, तो इस बार के आप 2019 के चुनाव को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगी जो मैंने ऑब्जर्व किया है पिछले 5 सालों में, कि जो वादे सरकार ने किए थे, जो बता रही थी हम आने वाले सालों में करेंगे, वो पूरे नहीं किए, जो हम एक्सपेक्ट करेंगे कि जो अगर वही सरकार दोबारा आए तो अपने नए कुछ मैनिफेस्टो में लेके आए और पुराने भी पूरे करें, अगर कोई नई सरकार आई तो पहले ये कन्फर्म करेगी हाँ वो हम पूरे करेंगे, ऐसे नहीं कि हमसे सिर्फ वोटर्स को सिर्फ इसीलिए यूज़ किया जा रहा है सिर्फ वोट्स लेने के लिए, बस मैनिफेस्टो में दे देते हैं और फिर दैट्स इट, कि हाँ चलो ठीक है मैनिफेस्टो में आ गया, लोगों से एक बारी वोटें ले ली, बाद में लोग भूल जाएंगे ऐसे। ओके, आपकी जो प्रेजेंट सरकार है, 3 साल यहाँ कांग्रेस रही है, अभी प्रेजेंट में बीजेपी है, तो इन दोनों में किसने महिलाओं के लिए ज़्यादा अच्छा काम करा है और महिलाओं के यहाँ क्या बेसिक मुद्दे हैं कॉलेज से लेकर चंडीगढ़ से लेकर?
मेरे ख्याल से बीजेपी ने इतना तो कुछ नहीं किया। किरण खेर इस बारी हुई थी, आई गेस किरण खेर इसीलिए इलेक्ट हुई थी क्योंकि वो बेसिकली बीजेपी की थी, पर उसके ऑपोजिशन में आप पार्टी में गुलपनंग थी, उसने काफ़ी ज़्यादा आई गेस उसके काफ़ी मैनिफेस्टोज भी काफ़ी अच्छे थे और उसके वुमेन सिक्योरिटी रिलेटेड और उनके एम्पावरमेंट से काफ़ी अच्छे थे। तो आई थिंक इस नेक्स्ट इस इलेक्शंस में आप या फिर कांग्रेस को ही आई गेस आई विल सपोर्ट, बीजेपी तो नहीं। बस ये कहीं ना कहीं आपको मोदी वेव नज़र आ रही है 2014 में एक मोदी वेव के तहत कहीं भी किसी भी सीट से कोई भी कैंडिडेट खड़ा होता वो जीत जाता था, तो कहीं आपको मोदी वेव या आई कैन सी द मोदी वेव एंड आई थिंक मैंने जहाँ तक नोटिस किया है इन माय एरिया आई बिलोंग टू हरियाणा आई हैव सीन मैंने डेवलपमेंट्स इन हरियाणा एंड आई हैव सीन people getting employed there. Some people say that there is no employment after Modi, but I think there is, and that's the main issue of youth, and I think it's working. Youth employment ko lekar kafi zyada is bar jagruk hai, kafi sare reports hum roz chhapte hue dekhte hain ki itna percent hamara employment gir gaya hai, itni berozgari hai, to kya aapko lagta hai ki is bar agar BJP sarkar ko mauka denge to usko improve kar payengi? BJP ne pehle nahi kiya to ab kya karegi? सिंपल, तो मे बी कांग्रेस या आप, लेकिन सेंट्रल में बेसिकली तो जितना अभी देखा है 5 ईयर्स में और अब तक, तो इस टाइम भी सेंट्रल में आई गेस बीजेपी आएगी, बट द थिंग इज़ इन चंडीगढ़ आई गेस कांग्रेस और आप, नॉट बीजेपी दिस टाइम। मैं यूथ को एक मैसेज देना चाहूँगी कि अगर यूथ जो है जो यूथ को ही सपोर्ट करे, जो आगे नए यंग इलेक्ट हमारे नेता हैं उनको सपोर्ट करे, क्योंकि वही ज़्यादा प्रॉब्लम्स यंगस्टर की समझ सकते हैं एंड उन्हें ज़्यादा मौका मिलना चाहिए मेरे ख्याल से। तो ये थे हमारे साथ पंजाब यूनिवर्सिटी के कुछ स्टूडेंट, जहाँ हमने लड़कियों से ही बात करी और लड़कों से ही बात करी, उनके मिजाज को जानना चाहा, उनकी नफ्स को जानना चाहा, चुनाव को लेकर क्या है। कहीं ना कहीं हमको बीजेपी को लेकर यहाँ स्टूडेंट की नाराज़गी दिखी, चाहे वो फीस हाइक का मामला हो, चाहे वो स्टूडेंट पॉलिसीज़ को लेकर, एजुकेशन पॉलिसीज़ को लेकर हो, और शायद इस बार ये लोग कांग्रेस को सपोर्ट करके पवन बंसल को अपना उम्मीदवार चुनकर उन सब चीज़ों में एक इम्प्रूवमेंट की आस बंधाए हुए हैं। हमारे साथ चंडीगढ़ से कांग्रेस के कैंडिडेट पवन कुमार बंसल जी है, 1999 से लेकर 2014 तक ये एमपी रहे यहाँ के, और उसके बाद 2014 में किरण खेर जी सिटिंग एमपी बनी, तो इस बार फिर ये मैदान में हैं और उसी ही ताकत के साथ ये फिर चुनाव लड़ने आए। आज इनसे बात करते हैं और जानते हैं इस बार इनकी चुनाव की तैयारी कैसी है। सर, किस तरह आप चुनाव को इस बार 2019 के चुनाव? बहुत शानदार माहौल इस वक्त कांग्रेस के हक में चंडीगढ़ में बना हुआ है, क्योंकि पिछले 5 वर्षों में यहाँ किसी ढंग का कोई काम नहीं हुआ। जितने वायदे किए थे, 65 से ऊपर वायदे तो इन्होंने अपने मैनिफेस्टो में किए थे, यहाँ लोकल मैनिफेस्टो जो एक बनाया था, और बाद में भी बहुत बड़ी बड़ी बातें होती रहीं, लेकिन किसी बात पे कहीं नहीं पूरा उतरे। अगर उनको 2 शब्दों में हमें कहना हो गया कि इनका ये 5 साल का पीरियड एक गाथा है, वो वायदों का जो निभाए नहीं और वो दावों का जो सच्चे नहीं। यहाँ हमारा शहर सफाई में 1 नंबर से देश में 1 नंबर पर पहले रहता रहा है, सैनिटेशन में वहाँ से 20वें नंबर पे गिर गया। पवन जी, मैं जानना चाह रही हूँ, आप जिस टाइम पे आप 15 साल यहाँ से चंडीगढ़ से आपने रिप्रेजेंट करा है पार्लियामेंट में चंडीगढ़ को, और आपके बीच आपके लोगों के बीच में आपकी लोकप्रियता आज भी उतनी ही बनी हुई है, आप कैसे देखते हैं जो जिस तरह मीडिया जिस सिनेरियो में आजकल जा रहा है राजनीति, जिस धर्म के नाम पे लोग वोट मांग रहे हैं, डेवलपमेंट का इशू नहीं गिनवाकर, 5 साल में हमने काम ना गिनवाकर ये दूसरों को पॉइंट आउट, आप किस तरह से? बिल्कुल सही आपने कहा, इन्होंने बहुत बड़े बड़े दावे किए थे जब डीमोनेटाइजेशन हुई थी, नोटबंदी। अगर डीमोनेटाइजेशन का देश को कुछ फ़ायदा हुआ होता आज उसका जिक्र करते ना, सबसे ज़्यादा तो उसको भुनाते, फिर आज उसका जिक्र भी नहीं करना चाहते, आज GST का जिक्र भी नहीं करना चाहते, आज रोज़गार का जिक्र भी नहीं करना चाहते। लोगों को यहाँ बातें कहते रहे कि 2-2 करोड़ नौजवानों को नौकरी मिल जाएगी प्रतिवर्ष, क्योंकि दे नहीं पाए, देना तो अलग रह गया। पिछला वर्ष 2017-18 45 वर्षों में सबसे ज़्यादा बेरोज़गारी की दर 6.1% पिछले साल हुई थी, ये इनकी कारगुजारी है, ये इनकी अचीवमेंट्स हैं जिनको ये कहें।
इस कारण आज उनका जिक्र नहीं कर रहे, आज लोगों का नैरेटिव ये अपने कैंपेन के दौरान बदल रहे हैं। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी जैसे प्रधानमंत्री रह लिए, क्या उस वक्त ये हमारी सर्जिकल स्ट्राइक्स नहीं हुई? उस वक्त इन बातों का शोर नहीं डाला जाता था, उनको सबक सिखाने के लिए, उनको कह देने के लिए होता था कि हम हाँ ये कर गए, लेकिन दूसरे देशों को पता नहीं लगने देते थे, ऐसा होता था। आज इन्होंने बिल्कुल अपना एक तौर तरीका ही बदल दिया, देश को और ही तरफ लेके जाने लगे हैं एक नए भारत के नाम पर। सही मायने में देश को बहुत पीछे फेंक रहे हैं आज ये। पवन जी, आखिरी सवाल मैं आपसे जानना चाहूंगी, क्या आपको लगता है 2014 में आपने चंडीगढ़ में जो विकास कार्य जहां छोड़े थे, अब कांग्रेस का कहना है अगले पिछले 5 सालों में कुछ हुआ नहीं, तो आपके लिए वो चैलेंज होगा उन 5 सालों को दोबारा रिवाइव करके आना अगर आप जीतते हैं? बिल्कुल होगा, लेकिन और मैं ये इस बात से खुद अपने आप में कॉन्फिडेंट हूँ, इस बात पर मुझे आत्मविश्वास है कि उन सभी चीज़ों को फिर करेंगे। अगर एक आप में एक काम करने का इरादा हो, आप करना चाहते हो, लोगों से जुड़े हो और प्रशासन से काम लेते हो, केंद्र से पैसा ला सकते हो, जो लाता रहा हूँ मैं पिछले 15 वर्ष, तो उसके साथ यहाँ के सभी काम जो बिल्कुल रुक चुके हैं उनको ज़रूर पूरा करवाएंगे, आगे बढ़ेंगे। थैंक यू। तो इसे हमारे साथ पवन कुमार बंसल, जिनका कहना है कि इस बार फिर वो जीतेंगे और चंडीगढ़ की जनता को नए रोजगार और नई डेवलपमेंट की ओर लेकर जाएंगे। 2014 की बीजेपी सरकार के नोटबंदी और जीएसटी के फैसले सबसे ज़्यादा असर व्यापारियों के ऊपर पड़ा। आज हम चंडीगढ़ के सेक्टर 17 मार्केट में हैं, जिसको व्यापारियों का बहुत बड़ा हब माना जाता है। आज हम यहाँ व्यापारियों से बात करेंगे, जानेंगे कि इन दो फैसलों पे वो सरकार को कितने अंक देते हैं और इस बार 2019 में किसकी सरकार चुनते हैं। क्या भैया, किसको वोट करेंगे इस बार? बीजेपी को मैम। क्यों? बीजेपी हमारे लिए सब कुछ किया है मैम। क्या किया है? सब कुछ, हमें रोजी रोजगार, नोटबंदी और जीएसटी से कोई फर्क नहीं पड़ा आप लोगों को? हमको कोई फर्क नहीं मैम, वो तो बड़े आदमी को फर्क पड़ता है। अच्छा, हाँ जी, हमें कोई फर्क नहीं मैम। क्या नाम है भैया तुम्हारा? अमित है मैम। अच्छा, किसको वोट करोगे इस बार? मैम बीजेपी को, जो मैम जिसने हमें रोजी रोटी दी है मैम उसका ही वोट। क्या रोजी रोटी दी है बीजेपी ने तुम्हें? मैम यहीं पर पहले भाग दौड़ रहती थी मैम, लाइसेंस बनाया, फीस लगाई मैम, कोई चक्कर नहीं मैम, ये हमारा आराम से बैठे रोजी रोटी खा रहे। आपका नाम क्या है? विनोद कुमार शर्मा। किस चीज़ का काम करते हैं? म्यूजिक सर सीडी। अच्छा विनोद जी, 2014 में जो बीजेपी सरकार आई, उन्होंने बहुत ही ऐतिहासिक फैसले, डिमोनेटाइजेशन, मोदी जी ने बहुत अच्छा किया। हाँ जी, बोलो। व्यापारियों को कितना असर पड़ा है? देखो स्टार्टिंग में थोड़ा पड़ा था, हमारे को भी लगता था, पर बाद में बिल्कुल अब ठीक हो गया था, बिल्कुल ऐसे कोई बात नहीं। मोदी जी ने बहुत जो काम किए बहुत अच्छे किए, पर जो हमारे लिए कल किरण खेर जी ने बोला है वो बहुत गलत बोला है उन्होंने कि हम अपना हाई कोर्ट में स्टे है, जो बाहर बैठे पेंडिंग वाले उनकी कोई स्टे नहीं, कोई कुछ नहीं। उन्होंने कहा भी अपना ये प्रोटेस्ट ना करो, जो व्यापारी हैं वो बेवकूफ़ हैं, वो ये बड़ी उनकी तो गलत है। नाराजगी है किरण खेर जी? बिल्कुल जी, बिल्कुल है। सभी व्यापारियों को आज सारे इकट्ठे थे, सभी को व्यापारी। इस बार व्यापारी किसको जिताएंगे? ऐसा देखो जी, अभी कोई नहीं निर्णय लेंगे। पहले तो हम मोदी जी के साथ ही थे, पर इससे थोड़ा हमारे को दिल, हर एक के दिल को थोड़ी सी चोट पहुंची है। ये गलत है, जो बयान है ये गलत है, ठीक है ना? आपका नाम क्या है? सुरेंद्र पाल से। आप भी बिजनेस करते हैं? हाँ जी। किस चीज़ का बिजनेस आपका? मेरा बैटरीज का काम है। सुरेंद्र पाल जी, आपके बिजनेस पे कितना असर पड़ा है डिमोनेटाइजेशन और जीएसटी का? ये काफ़ी फर्क पड़ा है, क्योंकि कस्टमर को रेट ज़्यादा लगता है, कस्टमर फिर छोड़ के चले जाता है, वो कहता जी जीएसटी रेट टैक्स ज़्यादा पड़ गया, बैटरी का रेट बहुत हाई हो गया, जो चीज़ उनको पहले 8,000 की मिलती थी वो 11,000 की मिलनी शुरू हुई, इस करके जीएसटी से काफ़ी फ़र्क पड़ा। और नोटबंदी से? नोटबंदी से तो खैर कोई फ़र्क पड़ा है, ऐसी बात नहीं है। नोटबंदी से हर एक दुकानदार को, हर एक कस्टमर को, सबको फ़र्क पड़ा है, ऐसी बात। आपको लगता है व्यापारी जितना नाराज़ हुआ है इस बार जीएसटी से लेकर, जीएसटी की मार वो सह रहा है, वो उसकी नाराजगी 2019 के रिजल्ट्स में दिखेगी इस बीजेपी सरकार को? बिल्कुल दिखेगी, बिल्कुल, ये प्रॉपर है। ऐसा है ना, जो बड़े लोग हैं या बिजनेस वाले हैं उनको थोड़ा कम पड़ता है, जो लोअर जो छोटे हैं उनको बहुत पड़ जाता है। अगर हम जीएसटी भी देखें तो कितना वो खा जाएगी, तो उसमें आम लोग जो हैं, जनरल लोग हैं, उनको थोड़ा प्रॉब्लम आती है, और कोई बात नहीं, क्योंकि पड़ता तो सब ग्राहक के ऊपर है, ग्राहक के ऊपर ही पड़ा वो। अगर गरीब आदमी कोई चीज़ लेता है तो उसको दिक्कत तो आती है। मेरा नाम नरेश बैठे है। नरेश जी, इस बार किरण खेर जी आपके यहाँ से दोबारा बीजेपी ने उनको टिकट दिया है। जी जी जी। चंडीगढ़ की जनता खुश नहीं है उनसे, तो आप क्या प्रत्याशी को देखकर वोट देंगे, सेंटर में मोदी जी को देखकर वोट देंगे? नहीं, आप प्रत्याशी को देख के वोट देंगे जी, सेंटर देख के नहीं देंगे। तो कितनी खुश है यहाँ की जनता बीजेपी और कांग्रेस दोनों में से किस सरकार से? देखो जी, अपने
अब सबके अपने अपनी वो है, इतना मतलब हुआ तो नहीं चंडीगढ़ में, जो होना था वो तो नहीं हुआ इस बारी, जो पाँच सालों में जो देखा हमने, मतलब इतने सालों से इस साल नहीं हुआ है सर। अच्छा, कोई सफाई में देख लो, किसी चीज़ में देखिए, मतलब नहीं वो नहीं रही। तो सफाई में तो आपकी चंडीगढ़ नंबर वन सिटी मानी जाती थी, तो उसमें भी कोई बदलाव? बहुत, मतलब इस बारी मतलब वो रिकॉर्ड नहीं रहा जो पाँच साल में मतलब रहा, हमने वो नहीं देखा। इससे पहले भी हम 30 साल यहाँ रह रहे हैं, हमने इतना वो नहीं देखा कि जितना इस बारी ये हुआ। इतना बड़ा काम है आपका फुटवेयर्स का, इन सब में तो GST और नोटबंदी से आपके बिजनेस को कितना फर्क पड़ा है? काफ़ी फर्क, 30% क्या है वो, ये 30% घटा है, लॉस 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 में है, कैसे? GST से ही। अच्छा, वो चीज़ अब आपको 30% ज़्यादा दामों में बेचनी पड़ रही है? नहीं, दाम तो वही है, दाम थोड़ी बढ़ा सकते हैं, GST के पीछे हम प्राइस तो बढ़ा नहीं सकते हैं ना, प्राइस तो इंक्लूड होती है, GST के पीछे प्राइस नहीं बढ़ती है, प्राइस तो शॉपकीपर को ही पे करनी पड़ती है, उसकी GST तो शॉपकीपर को ही पे करना पड़ता है, एक्स्ट्रा नहीं लेते हैं। तो क्या GST से इस बार मतलब व्यापारी नाराज है BJP से? बिल्कुल नाराज है। GST लागू होने के बाद ना व्यापारियों का बिजनेस काफ़ी डाउन हुआ, 20-25% तक उसका नीचे चला गया, ये ठीक नहीं था। बाकी अभी भी प्रॉब्लम चल रही है, कस्टमर है नहीं है। बाकी किरण खेर जी ने चंडीगढ़ को बहुत पीछे कर दिया, ड्यू टू ये जो वेंडर जोन बना दिए हमारे दुकानों के आगे, फड़ी वाले बैठा दिए, हाँ जी, जो चीज़ दुनिया भर की नकली चीज़ हमारे सामने बेच रहे हैं, अगर कोई दुकानदार रख ले नकली मतलब दूसरा प्रोडक्ट तो उस पर कार्रवाई करते हैं हमारे सामने, इसकी वजह से भी बिजनेस डाउन है। तो आपको लगता है जब व्यापारियों की नाराजगी भारी पड़ेगी BJP पे? बहुत ज़्यादा भारी पड़ेगी BJP पे, और इस बारी तो 101% श्योर है कांग्रेस ने ही आना है, ये मन में बना लिया हम लोगों ने। दुकानदारी सारी खराब हो गई है, ये ऑल बिकॉज ऑफ, ये देखिए आपने सेक्टर 17 देखा भी जी, भी फड़ी मार्केट बनी हुई है। पहली बात तो दुकानदार क्या माल बेचेगा जो सारा चीज़ें फड़ी भी मिल रही होंगी, सारा इनका वोट बैंक बाहर बैठा हुआ है, इनको बार बार बोलने के बावजूद भी ये उसके बारे में सुन के राजी नहीं है, ये तो बिजनेस दुकानदार क्या करेगा जिसने इतने हाई रेंट पे शोरूम लिया हुआ है, कहाँ से कि नाम कमाई करेगा, कहाँ से वो रेंट देगा। तो आई एम अगेंस्ट, मैं बेटर है कि कांग्रेस को वोट दे दूंगा, चाहे आपको वोट दे दूंगा, इनको वोट नहीं दूंगा। नाराज नहीं होगी ना, जिस जो पॉलिसी चल रही है नॉट अप टू द मार्क। तो ये था हमारा चंडीगढ़ से इंडिया की आवाज़ का चुनावी सफ़र, जहां हम जनता के बीच में गए, उनकी राय जानी, और इस बार 2019 में उनको अपनी सरकार से क्या क्या अपेक्षाएं हैं उनके बारे में जाना। कैमरा पर्सन मनीष विदुरी के साथ अंजलि पोखरियाल, चंडीगढ़। और आज हमारा इंडिया की आवाज़ का चुनावी सफ़र आ पहुँचा है चंडीगढ़ में। गवर्नमेंट के पास एजुकेशन को देने के लिए पैसा नहीं है, हमारे PM के पास, और एक स्टैचू लगाने के लिए उनके पास पैसा है। BJP ने पहले नहीं किया तो अब क्या करेगी? 2014 की BJP सरकार के नोटबंदी और GST के फैसले सबसे ज़्यादा असर व्यापारियों को पड़ा। जी ने बहुत जो काम किए बहुत अच्छे, वो पहले 8,000 की मिलती है, वो 11,000 की मिलनी शुरू हुई।